हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गाय को गुड़ रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। सनातन धर्म में मनुष्य की परेशानी को लेकर कई तरह के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप मनुष्य बहुत हद तक लाभ पा सकते हैं। इसी तरह गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यताओं के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गाय को गुड़ खिलाने के कई लाभ होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति गाय की सेवा करते हैं उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौ दान को महादान माना गया है। दोस्तों, व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी गाय को गुड़ या रोटी के साथ गुड़ खिलाने के कई उपाय बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड़ और रोटी खिलाने से गाय को क्या क्या फायदे होते हैं और आपको क्या फायदा होता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाते हैं उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो रोज गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वो रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाए। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। रोज गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य चार धाम की यात्रा के बराबर मान्य जाता है। गाय को रोज रोटी और गुड़ खिलाने से मनुष्य को हर संसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। गाय की सेवा करना और उसे रोज गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य पर बना रहता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक घर में बनी पहली रोटी को गाय को खिलानी चाहिए, इसके बाद ही परिवार के सदस्यों को रोटी खानी चाहिए। माना जाता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। गौ माता में लक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि गाय को पहली रोटी क्यों खिलाते हैं और इसके क्या क्या लाभ है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफी माना जाता है। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। रोटी के साथ चीनी या गुड़ जरूर दें। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गाय माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने से सुख समृद्धि प्रसार होती है और गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए।
उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए। यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दे, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति को लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियाँ लौट आएंगी। दोस्तों, शहरी परिवेश के कारण गाय को पालना तो संभव नहीं होता, लेकिन इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं का पालन लोग अवश्य करते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार शहरों में गाय को रोटी खिलाई जाती है, लेकिन आजकल गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन बदल गया है। बदलते प्रचलन में कई बार बड़ी भूल हो जाती है, जो बेहद ही अशुभ माना जाता है। नित्य गाय को रोटी खिलाना हरेक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है, जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं, लेकिन समय से इसे खिला नहीं पाते हैं। कई बार तो गाय के रोज रखी गई रोटी 2 या 3 दिन के बाद खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दिनों के अंतराल के बाद खिलाई जाती है तो ऐसी स्थिति में घर में बदहाली, दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है। ऐसे स्थिति में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वो बासी ना हो, इससे वो बीमार भी ना पड़ेंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को बासी रोटी खिलाना उनका अपमान करना है। गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ति लाता है, इसलिए यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल डालें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप सुबह सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ भी जोड़ा गया है, इसलिए मान्यताओं के गुरुवार के दिन गाय को हल्दी की रोटी खिलाने से धन संपत्ति और सुख में वृद्धि होती है। दृष्ट ग्रह भी शांत रहते हैं। जो लोग मानसिक परेशानी रहते हैं वो गाय को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब स्थिति में हैं तो आपको गाय को प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आपको आप कोई इच्छा हो आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई हो तो आप रोज गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी वो इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पशुओं के साथ हिंसा को पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से ना सिर्फ उसे सहारा मिलता है, बल्कि आपके अच्छे कर्मों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से पशुओं को चारा खिलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि पशुओं को खिलाने से ना सिर्फ हमारे पाप दूर होते हैं, बल्कि ग्रह दोषों में भी सुधार होता है। हम आपको बता रहे हैं कि किस जानवर को क्या खिलाना चाहिए और क्या खिलाने से शुभ होता है।
दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को धरती का प्रतीक माना गया है और माता का दर्जा दिया गया है। कई समुदाय में गाय को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में सुरभि नामक लक्ष्मी देवी भी वास करती है। कहा जाता है जहां गाय वास करती है वहां लक्ष्मी होती है और गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास होता है। गाय की प्रतिदिन पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और दोस्तों रास्ते में गाय का दर्शन होना शुभ माना जाता है। गाय की आवाज़ भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर रंभना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय को लांगना या लात मारना मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। गौ माता की पीठ पर कुंवर होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंवर में सूर्य केतु नारी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोस्तों गाय को रोज भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में रोज खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराएं। गाय को गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर मंदिर व दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाएं। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है उसके कार्य में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है।